हेलो फ्रेंड्स, मीनूज रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कढ़ाई पनीर, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। जब भी मन करे आप फटाफट से बना के खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे कि मैं कोई भी न्यू रेसिपी डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए बनाते हैं कढ़ाई पनीर। एकदम सिंपल तरीके से कढ़ाई पनीर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ये 250 ग्राम पनीर लिया है और इसे क्यूब में काट लिया है। 2 मीडियम साइज के टमाटर हैं, इसे भी पतले पतले टुकड़ों में काट लिया है। 2 मीडियम साइज के प्याज, इसे भी पतले पतले टुकड़ों में काट लिया है। 1 शिमला मिर्च, इसको भी क्यूब की शेप में काट लिया है। और 1 प्याज का जो ये पंखुड़ी होता है वो काट के निकाल लिया है। यहाँ पे हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट अगर आपके पास नहीं है तो 8 से 10 लहसुन की कलियाँ को ले ले और 1 इंच अदरक के टुकड़े को ले ले। 1 हरी मिर्च। खड़े मसाले में हमें चाहिए 1/2 चम्मच जीरा, 1 तेज पत्ता, 1 सूखी लाल मिर्च, थोड़े से दालचीनी के टुकड़े, 2 हरी वाली इलायची, 3 लौंग, 1 बड़ी वाली इलायची, 8 से 10 काजू और कुछ बेसिक मसाले जो हमारे किचन में अवेलेबल होते ही हैं। तो चलिए पहले हम बनाना शुरू करते हैं इसे। तो एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच बटर, 1/4 चम्मच रिफाइंड ऑयल, 1/4 चम्मच बटर और ऑयल को बटर को पिघलने देते हैं। बटर जब पिघल जाए तब हम इसमें डाल देंगे जितने भी खड़े मसाले हमने लिए हैं, वो सब जीरा, दालचीनी, जो भी खड़े मसाले हमने लिए सारे हम डाल देते हैं। ठीक है, तेल के डाल हरी मिर्च भी डाल दें। अब इसमें हम डाल देंगे जो प्याज हमने पतले पतले टुकड़ों में काट के लिया है वो, और प्याज को हल्का सा लाल होने तक भून लेंगे। प्याज जो है वो लाल हो गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे लहसुन और अदरक को प्याज के साथ डाल सकते हैं। और 2 टमाटर, अब हम टमाटर को गलने तक पका लेते हैं। तो टमाटर जल्दी गल जाए इसके लिए इसमें डाल देते हैं नमक। नमक स्वाद अनुसार, जितना आप नमक खाते हो उतना डाल लें और इसे अच्छे से मिक्स कर दें। और यहीं पे हम काजू भी डाल देते हैं, जो हमने काजू ले रखा था तो वो भी डाल दिया। अब इसे चलाते हुए हमें टमाटर को पका लेना है और तब तक पकाना है जब तक कि टमाटर जो है वो गल ना जाए। इसे 1 मिनट के लिए ढक देते हैं। एक मिनट हो गए हैं, ढक्कन को हटा के फिर से मोबाइल से चला दें। ऐसे ही करके हम भूनेंगे तो टमाटर जो है जल्दी पक जाएगा। फिर ढक दें। टमाटर जो है वो अच्छे से गल गए हैं, ये देखिए। अब हम इसमें कुछ मसालों का पाउडर डाल देते हैं। तो 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। मिर्ची जो है आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप तीखा खाते हैं तो और मिर्ची डाल सकते हैं। इन सबको हम डाल देंगे इसमें और बस 1 से 2 मिनट भूनेंगे।
तो घी चलाते हुए इसे भून लें। ये मसाले जो अच्छे से भून गए हैं, अब हम गैस को बंद कर देते हैं और मसालों को ठंडा होने देते हैं। जब मसाला ठंडा हो जाए तब से ये तेज पत्ता हटा के हम सारे मसालों को अच्छे से पीस लेंगे। गैस को बंद कर दें और जब तक मसाला ठंडा हो रहा है तब तक हम शिमला मिर्च, प्याज और पनीर को फ्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम एक पैन ले लेंगे और उसमें डाल देंगे बटर और थोड़ा सा तेल। बटर को पिघलने देंगे। बटर जब पिघल जाए तब हमने प्याज के जो लच्छे निकाल के रखे थे पत्ते, वो डाल देंगे। एक मिनट भून लेते हैं इसे। हल्का सा ये ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए। प्याज जो हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो गया, हम इसमें डाल देते हैं शिमला मिर्च। इसे भी हम एक दो मिनट भूनेंगे। शिमला मिर्च को हमें ज्यादा नहीं पकाना है, इसका क्रंची बन जो है वो रहना चाहिए। शिमला मिर्च को भूनते हुए एक दो मिनट हो गए। अब जो हमने पनीर ले रखा है वो डाल देते हैं। अब इसे हम भून लेते हैं एक साथ। पनीर को भी हमें ज्यादा देर नहीं भूनना है, सिर्फ एक से दो मिनट भून लेना है। पनीर को भी भूनते हुए एक से दो मिनट हो गए हैं। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब इसकी हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। मसाला जो है वो ठंडा हो गया और इसे मैंने पीस लिया है तेज पत्ता हटा के। अब हम एक कढ़ाई ले लेते हैं। उसमें डाल देंगे थोड़ा सा तेल, बहुत ज्यादा तेल हमें नहीं डालना है। तेल जब गर्म हो जाए तब इसमें जो हमने मसाले पीस के रखे हैं वो डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। पानी डालने के बाद इसे खूब अच्छे से मिक्स कर दें। मसाला जो है वो छींटे मारने लगे तो आपका हाथ ना जले या चेहरे पे ना आए तो इसे ढक के और पकाएं। दो से तीन मिनट पकाना है बस। दो से तीन मिनट हो गए हैं मसाले को पकते हुए। अब हम इसमें डाल देते हैं जो हमने पनीर, शिमला मिर्च और प्याज को फ्राई करके रखा था। इसे अच्छे से मिक्स कर दें। एक से दो मिनट मिक्स होने के बाद पका लें। अगर आपको इसकी ग्रेवी जो है डालनी है तो आप यहाँ पे आधा कप पानी डाल दें। मैं भी यहाँ पे आधा कप पानी डाल देती हूँ। अब इसे हम पकने देते हैं दो मिनट के लिए। इसमें हम डाल देंगे कसूरी मेथी, एक चम्मच भर के कसूरी मेथी ले लें, वो डाल दें। अच्छे से मिक्स कर दें। अब दो मिनट इसे पकने दें। दो मिनट हो गए हैं,
इसके ऊपर से हम डाल देते हैं फ्रेश मलाई। इसे अच्छे से मिक्स कर दें। इसके ऊपर से हम डाल देंगे कटा हुआ धनिया पत्ता, ये भी अच्छे से मिक्स कर दें और गैस को बंद कर दें। फ्रेश मलाई डालने के बाद आप सब्जी को ना पकाएं, नहीं तो खराब हो जाता है। गैस को बंद कर देते हैं। ये हमारी कढ़ाई पनीर बनके तैयार हो गई। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें और बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।